अमित भी मुंबई से लगातार अलग अलग भूमिकाओं का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये तीन अलग अलग किरदार अगर आप इस वक्त देखें, रोमांटिक छवि, एक मैच्योर एक्टर, बचपन की मासूमियत, इतने शेड्स ऋषि कपूर के अभिनय में दिखाई दिए हैं जिन्हें शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है। और इस वक्त हमारे साथ अभिनेत्री दीप्ति नवल मौजूद हैं। दीप्ति जी, शब्द नहीं है आज, कल इरफान खान इस दुनिया को अलविदा कह गए, आज ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे इस वक्त क्या पूछूं, लेकिन ये जरूर इस वक्त महसूस होता है कि अच्छा समय अब शुरू हुआ था जब उनके लिए वैसे किरदार लिखे जाने शुरू हुए थे, स्क्रिप्ट्स वैसी लिखी जानी शुरू हुई थी जिनका उन्हें हमेशा इंतजार था, जो ऋषि कपूर खुद अपने इंटरव्यूज में कहते थे कि अब अच्छा वक्त शुरू हुआ है, लेकिन असमय ये निधन। मैं सबसे पहले तो मैं उनकी फैमिली को, अपनी कंडोलेंस, उनके फैंस को, सबको कंडोलेंस देना चाहती हूँ। मैंने अभी अभी सुना है और यकीन को अभी नहीं हो रहा, उससे बात कर रही हूँ कभी नहीं। मैं बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर थे, बहुत कमाल के एक्टर थे, मैंने उनके साथ काम किया। पहले जो शुरुआत के दिनों में हमने एक फिल्म की थी इश्क नहीं आसान, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था,